आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइन, सोलन क्षेत्रीय अस्पताल को तीसरी बार मिला पुरस्कार। सोलन में काले बिल्ले लगाकर जारी रखा प्रदर्शन। गगरेट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। व्यासोत्सव मेले में युवक युवतियों ने जीता दर्शकों का दिल। अब खबरें विस्तार से। सेंटर गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम हो या राज्य सरकार की हिमकेयर योजना, सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को बिना किसी रुकावट के उपचार मिल रहा है। यही कारण है कि आयुष्मान भारत योजना में मरीजों को लाभ देने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल को तीसरी बार पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। यह अवार्ड अस्पताल के MS डॉक्टर SL वर्मा को देकर सम्मानित किया गया। उधर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SL वर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत नया कीर्तिमान स्थापित किया है। RH सोलन के बाद MMU कुमारती डॉक्टर SC चड्डा आयुष्मान भारत के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है और इनके उपरांत द सोलन डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रग अलायंस सोलन डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रग अलायंस सर, इन्होंने TB के डायग्नोसिस और टेस्टिंग के लिए लगातार अपना सही। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों ने 10वें दिन भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए काले बिले लगाकर रोष प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि इस दौरान मरीजों को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। मरीजों को OPD में पहले की तरह ही उपचार दिया गया। अब संघ सरकार के बुलाने के इंतजार में बैठा है। उधर चिकित्सक यूनियन के प्रधान डॉक्टर कमल अटवाल ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो अगली रणनीति तैयार की जाएगी। सुनिए क्या कहा डॉक्टर अटवाल ने। हमारे जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल चल रहा है, 10वां दिन है आज, और इसी तरह आगे भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से हमारी कोई वार्ता हुई नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर अभी सरकार मांग नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमें बुलाए और मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि फर्स्ट वीक में हमें समय देंगे। यदि 1 फरवरी को समय देते हैं बात करने का तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नई रणनीति पे काम करेंगे। वो जैसे हमारी CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो वो है वो डिसाइड करेगी वैसे ही आगे करेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गगरेट पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गगरेट वासियों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। गगरेट कस्बे में पहुंचने पर व्यापार मंडल गगरेट द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। गगरेट पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19.49 करोड़ रुपए के लघु सचिवालय, 11.28 करोड़ रुपए से मरवाड़ी जोह पुल तथा 2.48 करोड़ रुपए से घनारी कुनेरन पुल का शिलान्यास कर गगरेट में विकास की नई इबारत शुरू की। सर एक मिनट नाल नाल हो जाना, सारे ले आ जानी है। आओ ती फोटो खींच लियो। बिलासपुर में चल रहे 7 दिवसीय अखिल हिमालयन महोत्सव ब्यास मेले की 5वीं सांस्कृतिक संध्या में मिस्टर एंड मिस बिलासपुर मॉडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 17 युवा और 10 युवतियां शामिल रही। इस मुख्य आकर्षक प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने पहाड़ी वेशभूषा में कैटवॉक की और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्णायक मंडल में शामिल शालू ठाकुर, सुशील पुंडीर, कनिष्का और विनोद शर्मा ने प्रतिभागियों की प्रतिभा को परखा। वहीं मॉडलिंग के दौरान मंच संचालक निशांत कपूर ने भी अपने शायराना अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया।